तो दोस्तों ये ईयरफोन्स मैंने ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से और ये पेपर पैकिंग में आए हैं, क्योंकि पेपर की पैकिंग है तो ये हाथ से ही फटनी चाहिए, कोई कटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पैकिंग में हमें मिलता है ये Realme Buds Classic का येल्लो बॉक्स, बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला बॉक्स है, इसमें कोई भी कैजुअल डिज़ाइनिंग नहीं है। इसके ऊपर प्लास्टिक है, तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को हटा देते। यहाँ पर Realme Buds Classic लिखा गया है और इसके पीछे इसके फीचर्स लिखे गए हैं, आप इसको चाहिए तो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे लेबल है इस पर लिखा गया है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, क्योंकि Realme जो है एक चाइनीज़ कंपनी है। अब बॉक्स के नीचे यहाँ पर सील पैक है, तो ये सील का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कोई भी नई चीज़ लेते हो। अब इस सील को मैंने कट कर दिया है और अंदर से इन ईयरबड्स को हम बाहर निकाल के देखते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे से पैकिंग किया गया है और बॉक्स में हमें मिलता है एक यूज़र गाइड। तो इन ईयरबड्स के ऊपर एक प्लास्टिक का पेपर दिया गया है जो बहुत ही अच्छी पैकिंग है, और अंदर ये जो ईयरबड्स है, अब इसको बाहर निकाल के हम देखते हैं कि ये किस तरह से। इसके केबल पे एक येलो कलर का स्ट्रैप दिया गया है जिसको ये लोग कहते हैं केबल ऑर्गेनाइजर। तो इसके केबल की लेंथ 1 मीटर से भी ज़्यादा है और इसका जो 3.5mm जैक है इस पर किसी भी तरह की गोल्ड प्लेटेड कोटिंग नहीं है, और इसकी केबल ब्रेडेड केबल या फिर किसी भी तरह का कोटिंग केबल पे भी नहीं है, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी की केबल है, ठीक केबल है जिसपे बारीक लाइंस है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसका जो कंट्रोलर है इस पर एक माइक्रोफोन दिया गया है जिसके बाजू में Realme की ब्रांडिंग है, और एक सिंगल टच मल्टीफंक्शनल बटन भी दिया गया है। और देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसके ईयरफोन जो है ये एप्पल आईपॉड्स के रेप्लिका है जैसे ओप्पो और वीवो में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स है इस प्राइस रेंज में। कान में पहनने पर ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 14.2mm के ड्राइवर्स दिए गए, फिर भी इसका बेस जो है वो ठीक ठाक है, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। और इसका ट्रेबल हाई मिड्स लोज प्राइस के हिसाब से अच्छे है, लेकिन इसका जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और सामने वाले को आपके बैकग्राउंड की आवाज़ जो है वो बहुत ही कम सुनाई देगी, बल्कि ये पूरा वीडियो जो है मैं इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा आ गया रहेगा कि इसका माइक्रोफोन किस तरह से काम करता है। तो अगर आप इनको कॉलिंग पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं मोर देन म्यूज़िक, तो मुझे लगता है ये इसी के लिए बनाए गए हैं और मैंने भी इसको कॉलिंग के लिए ख़रीदा है। ये आपको 399 रुपीज़ में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएंगे, और इसमें 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, वाइट और ब्लैक। और अगर मैं इनके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़े चुभे, लेकिन जैसे आपको आदत हो जाएगी तो आपको ये कंफर्टेबल लग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय एंड यू बेटर बी कूल।